नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस वक्त बहुत ही जोर शोर से फेस्टिवल्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारा वेदर भी डे बाय डे चेंज हो रहा है और हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। तो बदलते मौसम में हमारी स्किन के साथ साथ हमें हेयर से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप सबके घरों में बहुत इजीली मिल जाएगा और उसको आप लोग अभी तक अपने फेस पे यूज भी कर रहे होंगे। क्या होता है कि एक पूरी पर्सनैलिटी के लिए हमारे बाल एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे हेयर्स अच्छे नहीं हैं तो हमारी अच्छी से अच्छी ड्रेस और अच्छे से अच्छा मेकअप भी फीका लगेगा। तो जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपने बालों की केयर को लेके भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वेदर में अलग अलग शैम्पू कंडीशनर आपके बालों को अच्छा रखते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर करिए कि जब वेदर चेंज होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर नोटिस करें कि जो शैम्पू कंडीशनर आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों को वेदर चेंज होते ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले उनको अपने शैम्पू पर ध्यान देना चाहिए। और अब मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा अब तक अपनी स्किन पे, और आज हम जानेंगे कि उनको अपने हेयर्स पे कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट है ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन। जिस तरह यह हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हमारी स्किन की केयर करती है, इसी तरह यह हमारे हेयर्स की भी बहुत अच्छे से केयर करती है और हमारी हेयर्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। ग्लिसरीन को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ग्लिसरीन एक्चुअल होती क्या चीज़ है? यह फ्रेंड्स सब्जियों में पाया जाने वाला एक चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसकी ना तो कोई स्मेल होती है ना रंग होता है। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और थिक पदार्थ होता है जो कई सारी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने ब्यूटी सॉप्स में, फेस वॉश में और नाइट क्रीम्स के अंदर यूज़ करती हैं, क्योंकि ग्लिसरीन को डायरेक्टली यूज़ करना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी वो भी ग्लिसरीन को किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके आपको यूज़ करनी है, तभी वो आपको फ़ायदे देगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि ग्लिसरीन का फ़ायदा सिर्फ सर्द मौसम में ही होता है। गर्मियों में ये फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचा सकती है, तो आप गर्मियों में ये वाले रेमेडीज़ को नहीं यूज़ करेंगे। ये सिर्फ विंटर के मौसम के लिए हैं, जो अब आगे 3-4 मंथ्स हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि ये रेमेडीज ओनली विंटर्स के लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ ग्लिसरीन से होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट थिंग, ये हमारी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। सेकंड, ये फ्रिजी हेयर्स को कम करता है, जिनके बाल धोने के बाद एकदम से ऐसे कहते हैं ना लोग, बाल खड़े ही हो जाते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करता है। ये हमारी स्कैल्प की इचिंग को कंट्रोल करता है। ये बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। ये हमारी जड़ों के अंदर जाके उनको नमी तो प्रदान करता ही है, लेकिन हमारी जड़ों को भी मजबूत बनाता है, जिससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों की डीप नॉरिशिंग करता है और ड्राइनेस से हमारे बालों को निजात दिलाता है। अब हम जानते हैं कि हम ग्लिसरीन को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे उनके बाल ड्राई हैं, नॉर्मल है या ऑयली है, वो सब लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप शैम्पू करते हैं तो आपने 2 चम्मच पानी के अंदर आधा चम्मच ग्लिसरीन वो आपके नहाने वाले मग्गे में ही मिक्स करके उसको एज ए कंडीशनर अपने बालों में लगाना है और 10 मिनट्स के बाद आपने रिंस कर देना है। ये आप हर शैम्पू के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ड्राई स्कैल्प पे जिनका डैंड्रफ हो, उनको क्या करना चाहिए। उनको कोकोनट ऑयल के अंदर ग्लिसरीन मिक्स करके उसको अपनी जड़ों में लगाना है और फिर जड़ से लेके पूरी लेंथ पे लगा के 2 आवर्स के लिए बालों को बांध के टॉवल में कवर करके रखना है, और 2 आवर्स के बाद आप लोग उसको शैम्पू कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है और उसके साथ साथ उनको चेंजिंग वेदर में डैंड्रफ भी देखना पड़ता है। ऑयली स्कैल्प फ्रेंड्स वो होता है, जो लोग कहते हैं ना हम तो शैम्पू ऑयल नहीं लगाते फिर भी हमारे बालों में एवरी सेकेंड डे ऑयल अपने आप आ जाता है, उस स्कैल्प को हम ऑयली स्कैल्प बोलते हैं, लेकिन उसमें बाल कई बार ड्राई होते हैं। तो ऐसी स्कैल्प के लिए आपको क्या करना है, रोज़ वाटर के साथ 3 चम्मच अगर आप रोज़ वाटर लेते हैं तो 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेके उसको मिक्स करके आप रखिए अपने ड्रेसिंग पे,
और डेली रोज सुबह उसको एज ए सीरम लेके आप अपनी जड़ों में लगाइए और आप देखिए 15 दिन में आपका डैंड्रफ स्कैल्प से हटना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है लेकिन बाल ड्राई है तो उसको क्या करना है, रोज वाटर प्लस ग्लिसरीन तो आपको जड़ों में लगानी है लेकिन कोकोनट ऑयल में ग्लिसरीन को मिक्स करके आप अपनी लेंथ पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी ग्लिसरीन के बहुत सारे फायदे हैं जिनकी स्कैल्प पे बहुत, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जख्म हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से, उनके सिर में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, वो सारा दिन मतलब उनका हाथ ही नहीं रुकता, बार बार उनका मन होता है कि इचिंग हो रही है, उनको क्या करना है, ग्लिसरीन के साथ एलोवेरा को मिक्स करके अच्छी तरह से कॉटन की हेल्प से अपने स्कैल्प पे उसको लगाना है और 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं या बालों को रिंस भी करेंगे तो वो आपके बाल अच्छे रहेंगे। अब एक रेमेडी मेंस के लिए, मेंस इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो इसको एज एन आफ्टर शेव बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपने इस आफ्टर शेव बनाना कैसे है, आपने 2 से 3 चम्मच ग्लिसरीन लेनी है, उसके अंदर एलोवेरा मिक्स करना है सेम क्वांटिटी में और उतना ही आपने गुलाब जल मिक्स करना है, उसको शेक करके आपने अपने ड्रेसिंग में रख लेना है और ये हो गया आपका आफ्टर शेव तैयार। इससे आपका चेहरे पे निखार भी आएगा और आपकी त्वचा भी कोमल रहेगी। और जो लोग घर पे ही वैक्सिंग वगैरह करते हैं और उनको रैशेज हो जाते हैं वो भी इस सॉल्यूशन को लगा सकते हैं, उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये रेमेडीज अच्छी लगी होंगी, आप इनको ट्राई जरूर से जरूर करिएगा क्योंकि मैं भी पहले चीजें ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। आप जब शेयर करेंगे तो दूसरों को भी इन चीज़ों से फायदा होगा और अगर किसी को कुछ और पूछना हो इस टॉपिक पे तो वो लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।